फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रेलवे ड्रीमर्स में। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आज एक कम्युनिटी पोस्ट किया था कि बहुत सारे आप लोग के कमेंट्स आते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जॉइनिंग कब होगा, मेरा ये कंडीशन है, तो इस रिगार्डिंग आते रहते हैं। तो हर वीडियो में तो वैसे सेपरेटली कुछ बताया जाना मुश्किल रहता है, फिर भी मैं बहुत सारे कॉमेंट्स में कोशिश करता हूँ आप लोग का जवाब दिया जाए। तो आज मैं उन्हीं कॉमेंट्स को लूँगा। उससे पहले फ्रेंड्स, देखिए क्या है कि ये वीक बहुत क्रूशल है, ठीक है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ थोड़ा देर में आपको बताऊँगा। और आप लोग सभी फ्रेंड्स देखते तो हैं वीडियोस को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं और शेयर नहीं करते हैं, तो थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स कीजिएगा, तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है कि आप लोग सब टच में हैं। और क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ज़्यादा देर वेट नहीं करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी देखना पसंद करते हैं, 1 मिनट 1.5 मिनट ही देखते हैं, तो मैं जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत जल्द दे दूंगा आप लोग को। और उसके बाद जो कमेंट्स आप लोग किए हैं, जो क्वेश्चंस आप लोग पूछते हैं, उसका जवाब दूंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और जैसे कि हर रोज़ मैं बताता हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कमेंट्स को। उससे पहले फ्रेंड्स, जो इन्फॉर्मेशन देना था, ये सप्ताह क्यों क्रूशल है, क्योंकि फ्रेंड्स इसी सप्ताह में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एसटी का पैनल भी आ जाए फ्रेंड्स। ये थोड़ा लास्ट ऑफ द वीक हो सकता है कि सैटरडे संडे या मंडे तक, मतलब 10 तारीख से आगे पीछे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ज्वाइनिंग, यूआर का ज्वाइनिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि इसी सप्ताह से शुरू हो जाए फ्रेंड्स। मतलब ज्वाइनिंग कैसे, आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा और बोला जाएगा कि 10-15 दिन के अंदर आप लोग आके कैरेक्टर बना के ये सब जमा कर दीजिए, वो चीज़ हो सकता है। ये न्यूज़ मिली है फ्रेंड्स, और आप तो जानते हैं कि मुझे जो पता चलता है वो ऑथेंटिक ही होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ ना हुआ उधर से, तो इस सप्ताह में आ सकता है, ठीक है। अब आप लोग का कमेंट्स लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ कमेंट्स किया गया है फ्रेंड्स कि ओबीसी पॉइंट्समैन का ज्वाइनिंग कब आएगा। देखिए ओबीसी का तो अभी भाई सेकंड पैनल प्लीज़ बताइए सर। देखिए वो तो ओबीसी का पॉइंट्समैन का आने का थोड़ा अभी यूआर पहले हो। अगर आप यूआर में ओबीसी हैं तो आपका आ ही जाएगा, लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी का बोले तो धीरे धीरे होगा। जैसे यूआर का आ जाएगा उसके बाद ओबीसी का भी शुरू हो जाएगा। ये सारे बोल रहे हैं जितना भी मेरे जानकार है और जो भी गए भी हैं, आप देख सकते हैं ग्रुप में भी, वो लोग बोला है इस महीने में ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगा। तो बोला है लगभग धीरे धीरे शुरू होते होते टाइम लगता है, लेकिन इस सप्ताह में शुरू होने के चांसेस है। ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सप्ताह मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये 10 तारीख तक हो जाएगा। तो ये सप्ताह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में आपका ज्वाइनिंग शुरू होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सिग्नल और टेलीकॉम का मॉर्निंग कब तक ज्वाइनिंग हो सकता है, ज्वाइनिंग कब तक आ सकता है फास्ट पैनल वालों का। देखिए जितना दूर मुझे पता है, पहले जो ट्रेनिंग वाले हैं ना उनका करवाएगा। देखिए आप लोग का भी साइड में होगा जिन लोग का ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन पॉइंट्समैन बहुत जगह देखिएगा, सीसीए वाले को भी पॉइंट्समैन का किया गया है, ट्रैकमैन का आज ही हालांकि दिया गया आसनसोल डिवीज़न से। तो पहले पॉइंट्समैन का आ सकता है चांसेस है, आप दूसरा का भी दे सकता है, लेकिन इस महीना के अंदर आप लोग का आ जाएगा। ये आप 10 से 15 दिन आप पकड़ के रख सकते हैं। सेकेंड डीबी कब तक आ सकता है, देखिए सेकेंड डीबी का तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप नवंबर या दिसंबर, उससे पहले सेकेंड डीबी नहीं हो सकता है। एक नोटिस आया था, अब वो कितना ऑथेंटिक है नहीं पता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि अक्टूबर तक सारे जो फर्स्ट डीबी वाले ये हैं, मतलब हमको भर देना है, क्योंकि उन लोगों को आगे चुनाव भी है तो उनको आगे फिर से निकालना है ग्रुप डी का वैकेंसी। तो अक्टूबर तक, तो मान लीजिए अक्टूबर नवंबर तो हो जाएगा सेकेंड डीबी आने में ईस्टर्न रेलवे का, बाकी सब तो निकाल ही रहे, आप लोग देख ही रहे होंगे। पीडब्ल्यूबीडी का पैनल कब तक आएगा, देखिए पीडब्ल्यूबीडी का पैनल इस महीने के बीच तक, या मतलब थर्ड वीक में आप मान सकते हैं, थर्ड वीक में आपका आ जाएगा, थर्ड वीक का शुरुआत में या लास्ट में ये नहीं पता, लेकिन पीडब्ल्यूबीडी का भी काम चल रहा है, आप लोग का थर्ड वीक तक पैनल आ जाएगा। ओबीसी का भेजा या नहीं, देखिए ओबीसी का भेज दिया है, डिवीज़न में पहुंच गया है, लेकिन काम थोड़ा जानते हैं ईस्टर्न रेलवे स्लो कर रहा है, तो आप लोग का डिवीज़न पहुंच गया है,
आप लोग का आएगा, लेकिन यू आर के बाद पहले यू आर, क्योंकि देखिए यू आर में ना OBC, ST, SC, EWS और जो जनरल यू आर है, जो यू आर से ही है, वो सब मिले हुए हैं। अगर किसी एक कैटेगरी का दे दिया ना तो वहाँ से OBC मिलेगा, ऐसा तो होता नहीं। और जब आप यू आर को देखते हैं ना, यू आर में सब लोग भरे पड़े हैं, OBC भी है उसमें, ST भी है, SC भी है, EWS भी है, तो उन लोगों को डिवाइड करने में भी सुविधा होता है, तो पहले यू आर का ही होगा। सर मेरा रेलवे ग्रुप डी फॉर्म में ITI का रोल नंबर में कुछ मिस्टेक हो गया है, रोल नंबर ये है लिखा है, बट मेरा रोल नंबर ओनली ये लिख दिया है। देखिए अगर DB में आपको कोई दिक्कत नहीं किया है तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिवीज़न में होगा वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। आप एक एफिडेविट फिर भी साथ में अगर रखे हैं पिछले वाला अगर करके ले गए थे तो वो लेके चल जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं करेगा। वो लोग रोल नंबर कुछ नहीं चेक कर रहे हैं, बस आप पास है कि नहीं, बस यही देख रहे हैं। मेरा सियालदा में DB और मेडिकल हुआ था, UR कैटेगरी से CNW पोस्ट मिला है, कब तक मेरा आ सकता है? यही थोड़ा देर पहले मैंने कहा कि मान के चलिए 15 से 20 दिन, धीरे धीरे हो सकता है कि शुरू में भी दे दें, क्योंकि सियालदा है, सेकंड पैनल वाले थे आप लोग, तो उसका पहले हावड़ा करेगा, हमको जहाँ तक उम्मीद है कि पहले हावड़ा करेगा उसके बाद सियालदा करेगा। हो सकता है कि 2-4 दिन का डिफरेंस हो, जैसे पहले भी आपने देखा CCA वाले लोग का केस में भी हावड़ा आसनसोल ऐसे किया है, तो आप 10 से 15 दिन मान के चले, लेकिन इस महीना में चांसेस है, पूरा चांसेस है इस महीना में आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। OBC का ज्वाइनिंग अभी मैंने कहा कि थोड़ा सा लेट है OBC का, लेकिन इस महीने में देखिए उन लोग बार बार यही चीज़ बोल रहे हैं कि इस महीने में सबका ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। अब इस महीने का लास्ट तक भी हो सकता है, फर्स्ट तक भी हो सकता है, लेकिन ये मेट्रो का फाइल मेट्रो भवन भेजा है या नहीं पता सर। देखिए हम जिससे पूछते हैं मतलब वो हावड़ा में है, मेट्रो वाले भवन से कोई लिंकअप नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हमको नहीं पता, और किसी ग्रुप से भी हमको पता नहीं चला है। हाँ जब मुझे पता चला था किसी एक लड़के से कि मेट्रो, जैसे रिवाइज्ड पैनल आया कि मेट्रो भवन से वापस चला गया, तो मैंने आप लोग को बता दिया था। अभी ये हमको पता नहीं है, हम पता करने का कोशिश करते हैं कहीं से अगर पता चलता है। CCA का TLAC का कब ज्वाइनिंग होगा? बहुत जल्द, आप लोग का शुरू हो गया है, अभी आसनसोल में ट्रैक मेंटेनर का दे दिया है, बहुत जल्द आप लोग का तो शुरू हो गया है, मतलब आप 10-15 दिन वेट कर लीजिए धीरे धीरे, क्योंकि आप लोग कैंडिडेट भी कम है, तो बहुत जल्दी आप लोग को करा देगा, इस महीना में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी पोस्ट का पहले होता है, किसी पोस्ट का बाद में होता है, थोड़ा 5-10 दिन का अंतर है, लेकिन आप लोग का हो जाएगा। भाई ज्वाइनिंग के बारे में देखिए ये तो बता ही रहे हैं, आज भी बताए हैं। भाई ट्रैक मशीन का फाइल कहाँ तक पहुँचा? नहीं पता भाई, क्या बोले, सच बता रहे हैं कि नहीं पता हमको। अलग अलग देखिए जिससे बात होता है ना वो जनरली बोलता है तुम लोग का फाइल पहुंच गया है, चलो पॉइंट्स में लोग को पहले प्रेफरेंस दे रहा है, उन लोग का शायद पहले करवा दे, वो लोग ऐसे बात करता है। अब एक एक ट्रैक मशीन CNW ऐसे बात नहीं होता है भाई, तो ये मैं नहीं बता सकता है, सॉरी। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट UR पैनल का ज्वाइनिंग कब से होगा? बोल तो रहे हैं इसी महीना से मान के चलिए, इसी हफ्ता से, सॉरी। हो सकता है ST वालों को ST सर्टिफिकेट मेल क्यों भेजा जा रहा है? देखिए कुछ लोगों ने ना थोड़ा दिक्कत हुआ था, उन लोगों को सबको नहीं भेजा गया है, उन लोगों ने शायद कुछ सेंट्रल वाले फॉर्मेट में नहीं बनाए थे या कुछ ऐसे, तो उन लोगों को इसलिए भेजा जा रहा है, ठीक है। सर RRC ईयर का फर्स्ट पैनल लिस्ट का ज्वाइनिंग कब तक होगा? एक वीडियो बनाए, वही बता तो रहे हैं सर, हर वीडियो में बताते हैं, ये न्यूज़ तो हमेशा देते हैं जो भी पता चलता है। सर मेरे पैनल में नाम नहीं आया है EWS से। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट मैटर है और मैं इसको बताना चाहूँगा कि जो दूसरा बोर्ड भी कर रहे हैं ना, तो वो लोग क्या किए हैं, बहुत लोग का मेडिकल में प्रॉब्लम है, बहुत लोग को पेंडिंग में रखे हैं, कोई नंबर के वजह से उन लोग को पोस्ट नहीं मिल पाया है, हो सकता है थोड़ा आप लोग का कट अप के एकदम जस्ट नियर अबाउट है, एकदम 0.12 या 0.05 इस नंबर से हो सकता है आप लोग का आगे क्या हो। तो वो लोग क्या किए हैं ना, वो लोग शायद सेकेंड DB में आप लोग को एडजस्ट करेंगे, और ऐसा कोई दिक्कत हुआ होगा ऐसा आप खुद भी पर्सनली जाके मिल सकते हैं, लेकिन अगर मेडिकल स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम नहीं है तो सेकेंड DB में आप लोग को एडजस्ट ज़रूर किया जाएगा।
तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, लेकिन आप लोग किसी को भी बाहर नहीं निकाला जाएगा। भाई मैं ओबीसी कैंडिडेट हूँ और मुझे B2 मिला है, पोस्ट भी अलर्ट हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ओनली UR में 178 कैंडिडेट का पैनल में नहीं आया है, इसमें 178 कितने एबसेंट होंगे, कितना B2C1 वाले होंगे, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए अभी तक लिस्ट नहीं आया है कि कितना एबसेंट है, कितना को मेडिकल रीमेडिकल की वजह से रोका गया है, जिनका पैनल नहीं आया है, कितना को मेडिकल फिट नहीं पाया गया है। तो हर बोर्ड जैसे कर रहा है, यहाँ भी एक रिजेक्शन लिस्ट आएगा जिसमें बोला जाएगा कि आपको पैनल नाम पोस्ट नहीं मिला है, या किसी को बोला जाएगा मेडिकल स्टैंडर्ड दूर है, या किसी को कुछ बोला जाएगा, तो वो लिस्ट आएगी। ईस्टर्न रेलवे थोड़ा लेट कर रही है, लेकिन ऐसा कोई जानकारी मेरे पास नहीं है कि कितने एबसेंट हो गई है। तो वो लिस्ट आएगी, हर एक को बताया जाएगा उसको अगर पोस्ट नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है, ये सारा चीज़ डिटेल्स में वो लोग एक लिस्ट बना के सारा बोर्ड दे रहा है। आप लोग देख पाएंगे बिलासपुर दिया है, ये आपका साउथ वाले बोर्ड्स दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो उसमें चिंता नहीं करना, वो आ जाएगा। ER 11 बहुत मुबारक हो भाई। भैया मेरे को कोई पोस्ट नहीं दिया, C1 मेडिकल दिया था मुझे, कृपया मेरा पता करके आप बता। देखिए अकेले का तो नहीं बता सकते, सच बता रहे हैं। आप अगर अपना नाम रोल नंबर भी दे दीजिएगा ना, तो वहाँ ऑफिस में वो नहीं निकालेगा, वो नहीं निकाल पाएगा, सॉरी इसके लिए सॉरी। पता कर वो आपको खुद जाकर पता करना है, वहाँ से नहीं निकल सकता है। किसने बोला 1 जुलाई, ओ पैनल वाला बोल रहा है ना, GDCA वाला। देखिए GDCA में ना, जब आप ज्वाइन कीजिएगा ना, ट्रेनिंग के समय में तो आपको फर्स्ट पे स्लिप चाहिए होता है, ठीक है, या आपको लगभग 15 से 20 दिन लगता है। मेरे साथ एक दोस्त हैं बेंगलोर वाले, उनका तो पेमेंट भी आ गया है, उनका 8 मई से उनका ज्वाइनिंग था, मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था, और उनको लगभग जून का फर्स्ट वीक में PF नंबर मिला था। और जब तक आपको PF नंबर नहीं मिल जाता ना, मतलब एम्प्लॉयमेंट नंबर, तब तक आप GDCA नहीं डाल सकते। अब इस बार कुछ अलग कर दे तो अलग बात है, सेंट्रलाइज हो गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जब तक PF नंबर नहीं मिलेगा तब तक आप भर नहीं सकते। और ईस्टर्न रेलवे में जैसे मान लीजिए आप अगर अभी अभी का अभी ज्वाइन करते हैं, आज 3 तारीख है, मान के चलिए अगर 15 तक भी आप ज्वाइन करते हैं, 20 तक भी ज्वाइन करते हैं, तो बहुत कम चांस हैं कि आपका ट्रेनिंग और ये सब होने के बाद आपको तुरंत PF नंबर मिल जाए। तो ये बहुत उम्मीद कम है कि ईस्टर्न रेलवे वाले ये जो GDCA आया हुआ है वो भर पाएंगे, ना के बराबर चांस है। अगर कोई ये सोच रहा है, अगर ऐसा मिरेकल हो जाता है तो अलग बात है, नहीं तो 99.9% चांस है कि ईस्टर्न रेलवे, क्योंकि मैं भी इसी में हूँ, तो वो चांसेस नहीं मिलेगा। CNWCCA का ज्वाइनिंग कब तक होगा? बस 2-4 दिन में, इस सप्ताह या अगले सप्ताह से आप लोग को दे जाएगा, धीरे धीरे आप लोग का दे रहा है, 1 मंथ करके बढ़ाते जा रहा है। नहीं ऐसा बात नहीं है, वो मिस्टेक से जुलाई निकल गया था, अरे जुलाई में तो होगा ही। कहाँ से खबर मिल रहा है भाई? ये मत पूछो भाई, थोड़ा ज़ोर से बोलो। देखिए मेरा आवाज़ ही ऐसा है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन की तरह लीजिए। कोशिश कर रहा हूँ इम्प्रूव करने का, अगर आप लोग का सहयोग रहा तो और ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और फिर से एक बार सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और कैसा भी लगता है कमेंट्स ज़रूर करें फ्रेंड्स, अच्छा लगता है आप लोग का कमेंट्स पढ़ के, पढ़ता हूँ, कुछ को रिप्लाई दे पाता हूँ, कुछ को नहीं दे पाता हूँ, लेकिन पढ़ता ज़रूर हूँ। तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।